वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सोनी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको होली की बधाई देती हूँ, यानी कि मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं और सभी लोगों को मैं मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि ये त्यौहार आपके जीवन में और अपनी तरह, जैसे होली में जो कलरों का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो उसी तरीके से आपके जीवन में भी ढेर सारे खुशियों के कलर भर दे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कानूनी चर्चा जिसे हम कहते हैं। जैसे कि हम हर बार एक नई वीडियो लेकर के आते हैं आपके साथ में, तो उसी तरीके से भी मैं आज एक नई वीडियो के साथ में आई हूँ। होली की सतर्कता के साथ में, यानी होली आपके लिए, होली खेलने के लिए आपके बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतते हुए अगर आप होली खेलें तो उस होली का आनंद ही कुछ और होगा। जैसे कि होली जो है कि कलर यानी रंगों का त्यौहार है, तो यहाँ होली के त्यौहार पर लोग एक दूसरे को कलर भी लगाते हैं। और इसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही इस त्यौहार को मनाते हैं, इस त्यौहार में बराबर से महिलाएँ भी शामिल होती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस होली पर आपके साथ कोई कानूनी पचड़ा पड़ जाए, यानी कि अगर आप किसी महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं या फिर गलत मंशा के साथ में उनको कलर लगाने की कोशिश करते हैं, तो उस स्थिति में उस महिला के द्वारा आपके ऊपर 354 यानी IPC सेक्शन जो है 354 के तहत वह मुकदमा दर्ज आपके ऊपर करा सकती हैं। और ये जो 354 का जो सेक्शन है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बना हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि दंड प्रक्रिया, सॉरी IPC के सेक्शन 354 के अंतर्गत, यानी किसी भी महिला की मर्यादा को भंग करना या उसको अनैतिक तरीके से छूना या गलत मंशा से के लिए उसको टच करना कह सकते हैं, तो इस तरीके का जो अपराध होता है वो 354 के अंतर्गत आता है। अगर इसकी सज़ा की बात करें हम, तो इसकी सज़ा का जो प्रावधान है वो 3 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक का होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी होली बहुत अच्छी तरीके से मनाएं, शांति से मनाएं। वैसे भी अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखें खास करके, और मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी से यही आशा करती हूँ कि मैं भी अपनी जो होली है वो अच्छी तरीके से शांति के साथ में और सुरक्षा के साथ में सेलिब्रेट करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी कोरोना की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए और शांति और शालीनता के साथ में इस होली को सेलिब्रेट करेंगे। वापस से विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ इस वीडियो को आगे से जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।